प्रिय दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं एससी प्रसाद माइन चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन प्रेस करें, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आइए हम चलते हैं आज एक नया रेसिपी बनाने, जिसका नाम है चना दाल का पीठा। चना दाल का पीठा बनाने के लिए चाहिए भिगोया हुआ चना दाल 250 ग्राम, लहसुन 10 कली, हरा मिर्च 5 पीस, गेहूं का आटा 500 ग्राम या आप जितना लेना चाहें उतना लीजिए, हल्दी 1 छोटा चम्मच। दोस्तों, यह मेरा एपिसोड शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे आपको डिटेल में पता चले कि यह चना दाल का पीठा कैसा बना और इसको आपको बनाने में आसानी हो। यह रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं, वहाँ पर भी डिटेल में दिया गया हुआ। सबसे पहले चना दाल हम लेंगे, तो रात पर भिगोया हुआ पानी को अलग करेंगे और लहसुन और मिर्चा और चना दाल तीनों को एक साथ मिक्सर में डालकर हम पीसेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर मिक्सर में डालकर पीस रहे हैं, चना दाल पीस चुका हुआ है। अब इसमें हम देखिए, चना दाल पीस चुका है, अब इसमें हम नमक और हल्दी डालेंगे। देखिए, मैंने डाल चुका है, हर नमक हल्दी डाल चुके हैं। अब इसमें हम नमक हल्दी डालने के बाद इसको अच्छा से मिक्स करेंगे। मिक्स करके देखिए, मिक्स कर रहे हैं। अब पेस्ट तैयार है। अब हम गैस को ऑन करके एक साइड पानी गर्म करेंगे। देखिए, एक चौड़ा बर्तन में हम पानी गर्म कर रहे हैं। अब आटा गूंथ चुके हैं, गूंथा हुआ आटा का लोई बना रहे हैं। लोई बनाकर हम पीठा बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आटा को गोल करके, लोई को गोल करके ऐसे गड्ढा करके इस पेस्ट को डालेंगे। तो मित्रों, यह एपिसोड कैसा लगा जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, व्यू कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों, मेरा यह एपिसोड कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए, पीठा ऐसे कैसे बन रहा है। पीठा बनाने के बाद चारों ऊपर से इसको दबा रहे हैं, दबा कर और इसको ऊपर से हल्का हल्का प्रेस कर रहे हैं। देखिए, पेस्ट को कैसे डाल रहे हैं और इसको ऊपर से हम दबाएंगे, एक साइड से दबाएंगे, दबा कर और इसको ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे। इसी प्रकार से आप भी बनाइएगा तो पीठा परफेक्ट बनेगा। देखिए, पीठा परफेक्ट बनेगा। तो मेरा ये एपिसोड कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, मेरा ये जो पानी जो गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म हो चुका है, इसमें 1 टीस्पून सरसों का तेल या रिफाइंड तेल हम डाल रहे हैं। सरसों का रिफाइंड तेल इसलिए डालते हैं कि जो पीठा हम बनाएंगे इस बर्तन के बॉटम में जो जाएगा वो जलेगा नहीं, आसानी से बॉयल हो जाएगा, पक जाएगा। तो हम पीठा इसमें डाल रहे हैं। इसको पीठा डालने के बाद करीब आधा घंटा बॉयल करना है और इसको चेक करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं पहचान रहे हैं तो इसको चेक करना पड़ेगा कि पीठा बॉयल हुआ कि नहीं बॉयल हुआ। चेक करने के लिए किसी चाकू से हम कोई भी पीठा को एक बार प्रेस करेंगे। प्रेस करके अगर निकालेंगे अंदर से कोई चाकू में कोई लिक्विड पदार्थ या कोई पेस्ट जैसा पदार्थ निकलेगा तो समझ जाइए कि यह बॉयल नहीं हुआ है। और थोड़ा सा टाइम बढ़ाकर इसको बॉयल करेंगे, थोड़ा देर और बॉयल करेंगे। अब बॉयल हो जाने के बाद इसको हम गर्म पानी को हटा लेंगे और नॉर्मल टेम्परेचर में इसको लाएंगे। पीठा को पंखा के नीचे रख दीजिए या फ्रिज में रख दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर में जल्दी आ जाएगा। उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। बिना फ्राई किए भी इसको आप खा सकते हैं। आप टेस्ट करके देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, बहुत टेस्ट लगेगा। अब फ्राई हो जाने के बाद और भी बढ़िया टेस्टी लगेगा। आप एक बार खाइए, बनाइए, कॉमेंट कीजिए, जरूर कॉमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तब हमको अभी पता चलेगा कि आप इसको बना रहे हैं, खा रहे हैं और अपने दोस्तों को खिला रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। देखिए, एक कढ़ाई लिए, उसमें करीब 2 टेबलस्पून हम तेल डाले और 1/2 टीस्पून जीरा डाले हैं। जीरा डाल के इसको फ्राई कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। अभी थोड़ा देर के बाद इसको पलटेंगे, माने नीचे साइड ब्राउन हो चुका है। ब्राउन होने के बाद इसको पलटेंगे और फिर दोनों साइड अगर ब्राउन हो जाएगा, हल्का ब्राउन हो जाएगा, तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कैसे ब्राउन हो रहा है। अब इसको पलटेंगे, देखिए
पलटेंगे। तो दोस्तों मेरा एपिसोड आप ध्यान से देखिए और इसी तरह से वीडियो देखकर इसी तरह से बनाइए, तब पीठा परफेक्ट बनेगा। देखिए पीठा ब्राउन हो चुका, हल्का ब्राउन हो चुका है, अब पीठा को हम निकाल रहे हैं। पीठा निकाल चुके हैं। तो दोस्तों मेरा यह रेसिपी ध्यान से देखिए, बचा हुआ पीठा को भी हम फ्राई करेंगे। देखिए तेल उसमें पड़ा, कढ़ाई में बचा हुआ है उसी में डाल के फ्राई करेंगे। अगर तेल नहीं बचेगा तो और थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और ये हल्का जीरा डाल दीजिए, उसको फ्राई कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा वीडियो देखा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।